ये है एसोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये दिल्ली एनसीआर में ही है, कहीं बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं या बच्चों को लेके यहाँ कभी भी आ सकते हैं, और यहाँ अच्छी वाइल्ड लाइफ है, यहाँ पर आपको बर्ड से लेके एनिमल सभी मिल जाएंगे। बहुत ही नॉमिनल सा टिकट का चार्ज है यहाँ, और जब मैं आया था, मैंने दिसंबर 2023 में ये शूट किया है, तो उस वक्त आप अपनी गाड़ी लेके यहाँ झील तक, जो कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है, जा सकते थे, लेकिन अभी उसको बंद कर दिया है सरकार ने। ये इश्तियाक अहमद हैं, और जब ये असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ स्टार्ट हुई थी तो ये उसके फाउंडर में से एक हैं, और ये एक नेचुरलिस्ट हैं, और अभी ये गिम्मी ट्री ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं। और आप मानिए कि प्रकृति की इनको जितनी नॉलेज है, समझ है, जानवरों से लेके प्लांट से लेके पूरी बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छी समझ रखते हैं। ये इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट, आप इसे कह सकते हैं कि पौधशाला है, बहुत सबसे बड़ी नर्सरी है ये, क्योंकि वो इस मायने में बढ़िया है क्योंकि यहाँ जितने नंबर्स हैं प्लांट्स के, पौधों के, ट्रीज़ के, जितनी वैरायटी है वो पूरे भारत में कहीं देखने को नहीं मिलती है। और ये पीपल बाबा हैं, और ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, तो पीपल बाबा अपनी टीम का परिचय दे रहे हैं इनके साथ में सभी को, और ये खुद भी अपना परिचय देंगे क्योंकि खुद ये सिविल सर्वेंट हैं। तो किस तरह से इनकी अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए रुचि हुई और इनको अच्छा लग रहा है ये सब करते हुए। संतोष जी, सर होती है नर्सरी। You would be surprised कि कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन करने के बाद कोई। But it was destiny, and I'm very very glad that it happened. Now that I look back, मुझे लगता है कि और किसी भी सर्विस में या और किसी भी नौकरी में मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं रहता जितना मैं यहाँ पे हूँ। तो आपको कितने भी वर्क प्रेशर हो, कितनी भी टेंशन्स हो, जब आप एक बार इस नर्सरी में जाके यू टेक अ स्ट्रोल, योर टेंशन्स जस्ट वैनिश, एंड इट्स अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग वर्क। और खासकर जब आप अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं और आप कोई फॉरेस्ट क्रिएट करते हैं या कोई प्लांटेशंस क्रिएट करते हैं, यू सी देम ग्रो, द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट, इट्स जस्ट अनमैच्ड। हाँ, तो जैसे मैं बता रहा था कि अब बाकी ये सब गाड़ियाँ इन्होंने वैन कर दी हैं, आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके नहीं आ सकते हैं। ये जो इनकी बैटरी वाली कार्ट्स हैं, इनका एक सर्टेन अमाउंट पे करके आप इन्हें हायर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैसी गाड़ियों से पॉल्यूशन हो रहा था और वाइल्ड लाइफ काफ़ी प्रभावित हो रही थी, क्योंकि लोग फिर सुनते नहीं हैं अपने तरीके से गाड़ी को, कहीं रोक देना, और पूरा डिसिप्लिन बिगड़ा हुआ था, लेकिन अभी वो सब बंद कर दिया है। बहुत मजा आ रहा है, अभी तक हमें कुछ ज्यादा दिखा नहीं है, सिर्फ एक ही एनिमल दिखा है, पर यहाँ का फील ही बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। और आपका क्या ख्याल है बताइए? ये जब भी आप वाइल्ड लाइफ के लिए आए हैं तो आंखें खुली रखें, क्योंकि वाइल्ड लाइफ आपको वेलकम करती है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ये उनके मूड पर है। ये देखिए, ये तो रहा और आगे हम देख रहे हैं। Jekyll is our first sighting of this Asola Wildlife Sanctuary. Let's see what next. अगर इस माइनिंग में उतरते हैं तो सुबह से शाम हो जाती है। अच्छा, इतना बड़ा ये माइनिंग है। ओके,
और हमने यहाँ पे इंडियन ईगल आउल्स का 7 ब्रीडिंग स्पॉट इस पर किया था। इंडियन ईगल आउल मतलब बहुत बड़ा, इतना बड़ा उल्लू होता है और आसानी से वो मतलब हेयर को उठा लेता है। मतलब हमारे पास फोटोग्राफ है यहीं से उठाते हुए, रात में हमने गाड़ी उधर खड़ा किया था तो वो उसको उठा रहा था। और लेपर्ड का बहुत अच्छा है बताते हैं ये। अच्छा, तो हम लोग अभी जिस एरिया में है उधर मतलब डेंस लेपर्ड पॉपुलेशन है। इधर अभी 16 पेयर का फाइनली रिपोर्ट है कि इस एरिया में ब्रीडिंग हैबिटेट भी हो ये है कि इस समय उसके कप्स थोड़े बड़े 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 हो गए तो इस एरिया में आसानी से रहता है। और खाने का उसका दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बंदर बहुत है, बंदर भी है और भी छोटे छोटे मामल्स है। मामल्स इन द सेंस की अभी कुछ कुछ गाय कहीं कहीं से इधर से आ जाती है लेकिन और कुछ एरिया से आने का जगह नहीं है। और कुछ कुछ एरिया प्लांटेशन के लिए दिया हुआ, तो ये इको टास्क फोर्स का एरिया है ये वाला, जो आप चलेंगे उधर से इको टास्क फोर्स इस एरिया में प्लांटेशन करता है और चेंज मिलेगा आपको धीरे धीरे। यहाँ पे अगर जंप करते हैं तो कम से कम 90 feet 100 feet से भी ज़्यादा है। ऐसे ऐसे यहाँ पे आने के बाद में ना बर्ड्स की भी ज़्यादा वो ये बर्ड्स का तो पूरा हैबिटेट है, ये बर्ड्स का तो पूरा एकदम मस्त एरिया है कि आप बर्ड्स को पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो आप लोग अगर फोटोग्राफ्स करना चाहते हैं तो उधर जाके कर सकते हैं, उधर जाके कर सकते हैं एक बार कर लो और फिर उसके बाद यहाँ से सीधे हम लोग लेके ही चलेंगे। तो एक दिन में 20 क्विंटल सब्जी आता है, जब आपको खीरा नहीं मिलेगा तब इनको खीरा मिलने लगता है, खीरा ककड़ी जो भी अमरूद, इस समय अमरूद ज़्यादा दिया जा रहा है और इस समय वो आता है क्या बोलते हैं मटर आता है, हरा मटर इनको ज़्यादा दिया जाता है। तो जो उस समय का सेंसस है 35,000 बंदर इधर छोड़े गए थे, सकल दिखाओ अच्छे people don't believe that there is a place like this in Delhi. वो देखो वाटरफॉल, कोई सोच भी नहीं सकता कि आराम से ड्राई जगह में मॉनसूनस में जो है दिस थिंग जो है आपका लेवल मतलब जितनी हाइट है उसका हाफ। Yeah.
ये जो आप लोग एक माइनिंग है, एक ये एरिया जो है ना अभी अभी जो वाटर रिजर्वायर टाइप में आपको जो दिख रहा है जिसको हम लोग लेक बोलते हैं, लेकिन ये लेक का एक कंसेप्ट नहीं है। ये क्या होता है कि जब टाइम बैंक से यहाँ पे माइनिंग हो रही थी ना, यहाँ पे क्वार्साइट स्टोन्स आपको चारों तरफ देखने के लिए मिल रहा है, इसकी माइनिंग हो रही थी। और ये माइनिंग इतनी डेप्थ हो गई है कि मतलब कहीं कहीं पे 150 फीट तक डेप्थ है केवल वाटर का। तो कुछ तो ग्राउंड वाटर का है रिचार्जिंग यहाँ पे, और दूसरा चीज़ कि इसका कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा पड़ जाता है, तो वहाँ से जो रेनी सीजन में जो वाटर आता है वहाँ पे ये स्टोर हो जाता है। तो इसकी कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा हमारे असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए एक सौगात है कि यहाँ पे जो मैमल्स है और जो भी बर्ड्स हैं उनको पानी पीने के लिए 12 महीना एक अच्छा सा बना रहता है, और हम लोग के लिए टूरिज्म का एक अच्छा स्पॉट बन जाते हैं। और उस समय मतलब 2014-15 में जब हमने यहाँ पे देखा था तो इसमें फिशेज भी है और टर्टल है, टर्टल का साइज बहुत बड़ा है। ओके, तो सब लोग अच्छा से सर्वाइव कर रहे हैं, और विंटरिंग ग्राउंड भी है तो बहुत माइग्रेटरी बर्ड्स का एक अच्छा सा हॉटस्पॉट बना रहता है। तो इससे अक्सर इसे खूनी झील क्यों बोलते हैं? खूनी झील इन द सेंस कि इसका डेप्थ ज़्यादा है, तो अगर आप डायरेक्टली आप हाइट से जंप करते हैं तो आप नीचे चले जाते हैं, मतलब ऊपर का प्रेशर आपका प्रेशर होता है तो डायरेक्टली आप बहुत नीचे चले जाते हैं, और जब नीचे जाते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट जल्दी ऊपर नहीं आता है, तो जब ऊपर नहीं आता है तो स्टक हो जाता है। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स इसमें हुए हैं। यहाँ पे बर्ड्स का पॉपुलेशन भी है, मतलब 100+ बर्ड स्पेसीज है यहाँ पे, और मैमल्स में बिग कैट में लेपर्ड है आपका, और स्ट्राइप्ड हाइना है, और जैकल है, और सीवेट्स कैट्स है, और बटरफ्लाइज का बहुत अच्छा सा हैबिचुएशन है यहाँ पे। बटरफ्लाइज का मीन्स कि आप अंदर आएंगे तो इन्वेडर्स बहुत कम मिलेगा, तो नेटिव स्पेसीज जहाँ पे नेटिव स्पेसीज का पैचेज है वहाँ पे यहाँ की जो नेटिव डाइवर्सिटी है वो आसानी से यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बर्ड्स और बटरफ्लाइज का एक पूरा हेवन है दिल्ली के लिए, और बिकॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो अनटच्ड एरिया है तो डिस्टर्बेंस कम है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे बटरफ्लाई बर्ड और मैमल्स आसानी से वो कर सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ कि यहाँ पे लेपर्ड ब्रीड भी कर लिया, लेपर्ड का भी और हाइना का दोनों का ब्रीडिंग फूल वूल ज़्यादा खिलते हैं। जो अभी हम लोग रिज में ही है, रिज का एक पार्ट है, ये साउदर्न रिज का ये एक पार्ट है असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसका जो एरिया है 20 स्क्वायर किलोमीटर का, अभी जो हम लोग एक ट्रैक करके आए 16 किलोमीटर, अभी बहुत सारे जो लैंड एक्वायर्ड था इसका वो सब धीरे धीरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने अंडर में ले लिए। और ये जो अभी देख रहे हैं ना, इस तरह से 5 झीलें हैं, है ना, इस तरह से इसकी सीरीज है, ऐसे ऐसे जाओगे तो इसकी सीरीज है, लेकिन वो पैदल करना पड़ता है, वो गाड़ी से नहीं होता है। और इस लेक को पैदल मतलब देखने के लिए, मतलब नीचे जाके भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए सुबह यहाँ पे 7-8 बजे पहुँचो, और हम लोग डिपार्टमेंट से ही है ना भाई, वगैरह वीडियो बना रहे सर, आपको बैन कर दिया डिपार्टमेंट से, आपने बता दिया, ठीक है आपके लिए बैन किया होगा। तो ये वो वहाँ पे भी हम लोग नीचे जा करके इसके पास से देखते हैं कि, और मोस्टली जो लेपर्ड का जो पानी पीने का एरिया है वो बहुत अच्छा है, वो नाइट में डे में जब भी वो होता है। और ये जो है इसका एक ऐसे वो गया हुआ है जहाँ पे पूरा पानी फ्लो करके आता है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो आपको धौ के पैच और पलास के बहुत पुराने पेड़ मिलेंगे, बहुत मोटे। तो मोस्टली जो लेपर्ड होते हैं वो दिन में पेड़ पे चढ़ के रहता है, और खाना भी हंट करके पेड़ पे रख देता है और आराम से उसको खाता है। सो इस एरिया में ये सबसे अच्छा, जो कैमरा ट्रैप हम सबसे ज़्यादा जो लगाते थे इस एरिया में लगाते थे, इस एरिया में। तो एवरी डे मतलब ऐसा कुछ दिन नहीं होता था जिस दिन हमें 4-5 कैमरा ट्रैप में उसका फोटोग्राफ नहीं आता था। मतलब इन टर्म्स ऑफ प्लांटेशन, यस सर,
ये तो पैचेस जो थे जो बीच में इको टास्क फोर्सेस ने किए, ये तो ऐसे था जैसे बस ऐसे ही बस एक प्रोसेस का पूरा बस पूरा जंगल था। ये तो बहुत पॉजिटिव बहुत ही जब एफआरआई के साथ में हमने 2010 में यहाँ पे सर्वे किया था ना, एफआरआई दो साल यहाँ पे फ्लोरिस्टिक डाइवर्सिटी पे काम किया, तो जब हमने इसका पूरा पैदल सर्वे किया है पूरे जंगल का 20 स्क्वायर किलोमीटर का, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर डाइवर्सिटी थी तो प्रोसोपिस का था। तो प्रोसोपिस में फिर वो अलग अलग वो दिया गया कि किस तरह के इसको रिस्टोरेट किया जा सकता है, तो फाइनली देखा गया कि अगर एक कुछ एरिया को डिमार्केट करके और रिमूवल प्रोसेस करके, सीआर बाबू को भी कुछ एरिया दिया गया था लेकिन उन्होंने फिर बाद में डिनाई करके अपना दूसरा वो करने लगा। एक ज़माना था जब दिल्ली जो है और दिल्ली के आसपास का पूरा एरिया, क्योंकि ये अरावली का हब है एक तरीके से, यहाँ से अरावली शुरू होता है, जो प्रेसिडेंट्स हाउस है, वाइसरॉय लॉज जिसको बोला करते थे पहले ये, और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नॉर्थ कैंपस है, अगर यहाँ से लेकर आप उदयपुर के नीचे तक ये पूरी अरावली की एक 1100-1200 किलोमीटर का एक कंटिन्यूस है। एंड लोगों को ये भी नहीं शायद पता होगा कि अरावली जो है दुनिया की, जैसे एंडीज माउंटेंस हैं, रॉकी माउंटेंस हैं और अरावलीज हैं, ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। तो वी शुड बी वेरी प्राउड, दिल्ली एनसीआर के लोगों को, हमारे यहाँ के लोगों को बहुत इस चीज़ में प्राइड लेना चाहिए कि ये हमारी धरोहर है, हमारी हेरिटेज है ये, और यहाँ पर आके विज़िट करना चाहिए। असोला वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, दिस इज़ समथिंग विच इज़ यू नो वेरी वेरी, यहाँ की जो फ्लोरा फौना है बहुत यूनिक है, यहाँ की डाइवर्सिटी बहुत यूनिक है, यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वो 100% बिल्कुल यूनिक हैं, वो आपको दिल्ली के जो DDA के जो पार्क्स हैं, आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो पार्क्स हैं, वहाँ पर ये वाली आपको प्लांट लाइफ नहीं मिलेगी, है ना। सो जो यहाँ का रॉकी एरिया है और ख़ासकर जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं, ये नीली झील का एरिया है और ये बहुत ही गहरी झील है और इट इज़ अ वंडरफुल सोर्स ऑफ वाटर फॉर द एंटायर अरावली फॉरेस्ट। और लोगों को यहाँ पर मनाई है कि लोग यहाँ पर, मतलब माना जाता है कि 8 से 10 लोग जो हैं हर साल यहाँ पर उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि इधर उधर से टापके आ जाते हैं दीवारें और वो लोग इसमें नहाने की कोशिश करते हैं। एट सम प्लेसेस इट इज़ 100 feet डीप एंड इसको इसीलिए इसका नाम लोकल लैंग्वेज में यहाँ पर खूनी झील भी बोलते हैं, क्योंकि एक बार जो अंदर गया वो फिर बाहर निकल के नहीं आता। तो यहाँ पर इको टास्क फोर्स है जो 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इको टास्क फोर्सेस जो हैं यहाँ प्लांटेशन कर रही हैं, दे हैव अ बिग बिग मेजर रोल टू प्ले इन द सिक्योरिटी एंड द रेस्टोरेशन ऑफ दिस एंटायर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और पिछले कुछ सालों से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा यहाँ काम किया है, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने बहुत यहाँ पे तवज्जो दिया है, फोकस किया है एंड द रेस्टोरेशन इज़ टेकिंग प्लेस एंड आई जस्ट विश दैट एज मैनी पीपल कैन कम एंड विजिट असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच दिल्ली शुड बी वेरी प्राउड ऑफ, यू नो। एंड अपने बच्चों को ज़रूर लेकर आइए, फैमिली मेम्बर्स को लेकर आइए, इट्स अ गुड, आई विल नॉट कॉल इट अ पिकनिक स्पॉट बट इट्स अ वेरी सेक्रेड फॉरेस्ट फॉर दिल्ली। बट 16 किलोमीटर्स का ड्राइव है, आप मेन गेट से आप अंदर आते हैं जब नीली झील तक आते हैं यहाँ पे, एंड यू कैन स्पेंड द एंटायर डे, यू कैन कम एट अबाउट 9 o'clock 10 o'clock इन द मॉर्निंग एंड टिल 3 or 4 तक यहाँ पर अलाउड होता है। आप अपनी फैमिलीज को लेकर आइए यहाँ पर घूमें और इतना कुछ सीखने को मिलेगा, इतना कुछ सीखने को मिला, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के, लेकिन आई थिंक इफ़ यू ब्रिंग योर फैमिलीज एंड स्पेशली योर चिल्ड्रन।